अब बड़ी खबर आपको बता दें, संदेशकारी पर बीजेपी ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी है। जो हम आप बता रहे थे आपको कि क्या कुछ घटा है अभी तक, क्या कुछ देखा गया है वहां पर संदेशकारी में, और उसको लेकर ये डॉक्यूमेंट्री बीजेपी की तरफ से बनाई गई है, जिसको 9 बजे जैसा कि हम आपको बता रहे थे रिलीज कर दी जाएगी डॉक्यूमेंट्री। क्या कुछ अभी तक घटा है संदेशखाली में, जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, पीड़ित परिवार जो है क्या कुछ उन पर गुजरा है, महिलाओं पर क्या कुछ गुजरा है, वो डर का माहौल, वो आंसू जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी आशिका भी गई थी संदेशखाली, उनसे जो महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई उसको लेकर यह डॉक्यूमेंट्री बनी है बीजेपी की तरफ से, और अब ये रिलीज कर दी गई। आशिका, ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी गई है? जी देखिए, बिल्कुल 9 बजे का समय जैसा कि बीजेपी की तरफ से दिया गया था, ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी गई है। और जाहिर है कि इसमें महिलाओं का वो दर्द है, जो अत्याचार की कहानियां महिलाएं जो है सामने आकर के मुखर होकर के बता रही हैं। कुछ तो कारण होंगे ना पंकज, कि घर में जो महिलाएं लक्ष्मी का रूप होती हैं, वो घर से बाहर निकली हाथों में डंडा लेकर के, झाड़ू लेकर के, और इतना बड़ा आंदोलन किया कि उस आंदोलन की गूंज पूरे देश में आज सुनाई दे रही है। संदेशखाली एक छोटा सा गाँव है, लेकिन संदेशखाली का नाम आज पूरे देश में गूंज रहा है। और जो महिलाएं, हम भी जब वहां पर गए और जितनी बार गए पंकज, जो रोती हुई महिलाएं वहां पर मिली और ये कहा कि हमें डर लग रहा है अब, और सवाल ये पूछे कि दीदी हमको बाहरी कह रही हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि दीदी हमसे आकर के मिलें। और महिलाओं ने ये भी कहा कि हम तो तृणमूल कांग्रेस को वोट देते रहे हैं, ममता बनर्जी को वोट देते रहे हैं, लेकिन आज वो क्यों नहीं हमारे साथ आकर के खड़ी होती हैं। तो संदेशखाली की जो अत्याचार की कहानी है उसे लेकर के ये एक डॉक्यूमेंट्री जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, सोशल मीडिया पर जाहिर है। बिल्कुल आशिका, अब देखना होगा कि ममता बनर्जी किस तरह से इस डॉक्यूमेंट्री पर रिएक्ट करती हैं, क्योंकि एक महिला है, और जो जब आप महिलाओं से बात कर रही थी संदेशखाली की, तो उनका कहना था माँ मिट्टी मानुष की बात करती है ममता बनर्जी, खुद महिला है, हमसे आकर मिल क्यों नहीं रही है। बावजूद इतना कुछ घटने के बाद भी वो दीदी दीदी करके एड्रेस कर रही थी ममता बनर्जी को, तो अब जाहिर बात है अब ये जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो गई है, अब कुछ ना कुछ उनकी तरफ से रिएक्शन जरूर आएगा। बिल्कुल, तो ये डॉक्यूमेंट्री हम आपको दिखाने की। संदेश खाली एक्सेसिबल ओनली बाय फेरी रिमेन्स एट द एपिसेंटर ऑफ अ क्राइसिस दैट डिमांड्स इमीडिएट अटेंशन। আমরা রাষ্ট্রপতি শাসন চাইছি, সাধারণ যাত্রী না ধরা পড়বে। आशिका, वो जो डॉक्यूमेंट्री है वो हम दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, इसमें दर्द है, आंसू है, महिलाएं जो वहां नारेबाजी कर रही हैं, टूटे हुए जो खिड़की के शीशे हैं वो नजर आ रहे हैं, क्या कुछ संदेशखाली में हुआ है, कितना भयावह हुआ है, उसकी तस्वीर इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल, महिलाएं जिस तरह से सामने आकर के उन्होंने अपने ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसकी कहानी कही है ना, इसको देखते हुए समझ में आता है कि संदेशखाली की घटना कितनी गंभीर है। एक तरफ इसे लेकर के सियासत ज़्यादा हो रही है और प्रशासनिक एक्शन इसके पहले तक कुछ कम नज़र आया है, लेकिन अब जब वहाँ पर DG गए हैं, लेकिन सवाल वही अब भी खड़ा होता है कि जो प्रमुख आरोपी है ना शेख शाहजहाँ, आपको याद होगा कि 5 जनवरी का दिन था जब ED की टीम उसके यहाँ रेड करने के लिए पहुँची थी, तब कैसे ED की टीम के ऊपर हमला हुआ था, वो मास्टरमाइंड उस घटना का भी शेख शाहजहां, लेकिन वो शेख शाहजहां अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो एक्शन पुलिस की तरफ से जो हुआ है वो क्या काफ़ी है, ये सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ वो महिलाएं जो संदेशखाली की जो डर के साए में जी रही हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जब भी हम वहाँ पर गए हैं रोती हुई महिलाएँ हमसे मिली हैं और ये कहा है कि आज हम आपसे बात तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं किसकी सज़ा हमें कहीं ना मिले, ये आशंका सब महिलाओं ने जताई है। तो संदेश खाली की जो महिलाएं हैं, अब देखिए
वहाँ पर दो टीमें जब जो गई, एक NCW की टीम गई, SC कमीशन की टीम गई, दोनों ने ये रिकमेंडेशन दी कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राज्यपाल जब वहाँ पर गए थे, आपको याद होगी वो तस्वीरें, उनके पैर पर महिलाएं गिर करके रो रही थी। तो क्या हालत है संदेश खाली की? ये तस्वीरें जो लगातार हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर करीब दो हफ्ते से, पंकज, वो बयां करती हैं कि संदेश खाली का सच आखिर है क्या। आशिका, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, बीच में हमें डॉक्यूमेंट्री दिखानी पड़ गई थी, ममता बनर्जी अब जरूर रिएक्ट करेंगी, क्योंकि आपसे बातचीत जब महिलाएं कर रही थी रोते हुए, उनके आंसू हम देख रहे थे, वो ये कह रही थी कि महिला है क्यों नहीं आई है, दीदी दीदी करके एड्रेस कर रही थी, साथ ही साथ वो ये भी बोल रही थी कि माँ मिट्टी मानुष की बात करती है ममता बनर्जी, तो अब रिएक्ट जरूर करेंगी इस डॉक्यूमेंट्री के बाद। जरूर पंकज, इस पर TMC की तरफ से जरूर रिएक्शन आएगा, और इसके पहले जो रिएक्शन आते रहे हैं ना, वो ये कहा है TMC की तरफ से, ये कहा जाता रहा है कि नहीं, ये जो गैंग रेप की बड़े संख्या में आरोप लगाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इसको मानने को तैयार नहीं है तृणमूल कांग्रेस, जो जमीन को लेकर के आरोप लग रहे हैं कब्जा करने का, इनको मानती रही है। लेकिन अब ये जो तस्वीर डॉक्यूमेंट्री सामने आई, या फिर ये जो तस्वीरें सामने हम न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे रोते हुए महिलाओं की, उस पर क्या कहती है TMC, ये देखना, तृणमूल कांग्रेस क्या कहती है, ममता बनर्जी क्या कहती है, वो देखना होगा। ये डॉक्यूमेंट्री जो थी, जो कुछ संदेश खाली में हुआ, उसको लेकर रिलीज कर दी गई है BJP की तरफ से। और इस बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पुणे से बरामद हुए करोड़ों रुपए के ड्रग्स के मामले से ये खबर है। पुणे ड्रग्स मामले में पुलिस अंडरवर्ल्ड और टेरर एंगल की जांच में जुट गई है। पुणे पुलिस ने देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। इस मामले में अब तक 3700 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी खेप है ये। 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक, 3700 करोड़, अंदाजा लगाइए इतने के ड्रग्स जब्त हुए हैं महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में, जिनमें पुणे है, सांगली है, सांगली से अभी ताजा बरामद भी हुई है, उसके अलावा दिल्ली NCR रीजन की अगर हम बात करें, वहां से भी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं, बड़ी खेप बरामद हुई है। और ड्रग मामले में महाराष्ट्र की पुणे पुलिस पूरे एक्शन में आ गई है। इस ड्रग्स सिंडिकेट के तार अब सांगली से जुड़ गए हैं। पुणे पुलिस ने सांगली से कुल 140 किलो ड्रग्स बरामद किए हैं। बरामद किए गए ड्रग्स की कीमत 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सांगली से 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। पुणे में छापेमारी के दौरान नमक के पैकेटों में ये ड्रग्स बरामद हुए हैं। अब सांगली से मामला आया है, 300 करोड़ रुपए के ड्रग्स हैं और 3 आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, बड़ी खबर है, अब पुणे दिल्ली NCR रीजन के बाद अब सांगली एक और शहर जहां से 300 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने, देखिए इसका जो नेक्सस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है महाराष्ट्र के साथ साथ, अब दिल्ली NCR में भी लोग, पुणे पुलिस की छापेमारी हो रही है और कल देर रात सांगली में भी छापेमारी हुई है जहां पर करोड़ों रुपए के ड्रग्स इसमें बरामद हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है इस पूरे मामले में यह है कि अब पुणे पुलिस इस पूरे मामले में टेरर एंगल और अंडरवर्ल्ड की भी जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों में ये नेक्सस फैला हुआ है और अब तक पूरे मामले में 3700 करोड़ रुपए का, विवेक लंदन कनेक्शन भी है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनमें से कुछ गिरफ्तारी दिल्ली से भी हुई है, विवेक लंदन कनेक्शन भी है, जांच कर रही है। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने, देखिए इसमें लंदन कनेक्शन भी है, जो मेन आरोपी है वो लंदन में बैठा हुआ है। अब इसमें पूरे मामले में अब पुणे पुलिस कोशिश करेगी दूसरी एजेंसीज को इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब ये मामला इंटरनेशनल लेवल का होता जा रहा है। यही वजह है कि पुणे पुलिस जांच कर रही है कि अब इसमें अंडरवर्ल्ड के लोग इन्वॉल्व है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये इतना बड़ा नेक्सस है और 3700 करोड़ रुपए का जो ड्रग्स है वो जब्त किया गया, तो अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इसका मास्टरमाइंड कौन है, इतनी बड़ी तादाद में ड्रग्स का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो कौन कर रहा था, इतनी बड़ी तादाद में ड्रग्स महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा क्या विदेशों में जाने वाले थे, ये सारे एंगल में अब पुणे पुलिस जांच कर रही है। और पुणे पुलिस का दावा है कि आज भी कुछ अहम जगह पर ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं। बिल्कुल, तो छापेमारी रुकी नहीं है, अभी और शहरों में भी छापेमारी चल सकती है। और ये कितना बड़ा ड्रग कनेक्शन है आप समझ सकते हैं, महाराष्ट्र के दो शहर, उसके अलावा दिल्ली NCR रीजन, क्या कुछ और शहरों तक भी ये फैला हुआ है, उसके अलावा इंटरनेशनल कनेक्शन जो है, लंदन कनेक्शन भी सामने आया है। इस पूरे मामले में पुणे पुलिस ने अलग अलग ठिकानों से 717 किलो और दिल्ली से 960 किलो ड्रग्स बरामद किए।
साथ ही साथ पुणे पुलिस ने सांगली शहर में, जैसा हमने आपको बताया, 140 किलो एमडी ड्रग्स जब्त किए हैं और अब तक पुणे से 3, दिल्ली से 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और पुलिस का दावा तो यह भी है कि इस गिरोह ने ना सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली बल्कि लंदन तक ड्रग पहुंचाए हैं। आशंका यह भी जताई गई है कि इस गिरोह के तार और भी कई शहरों से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए ड्रग्स के इस काले कारोबार की तह तक जाने के लिए पुणे पुलिस की कुल 15 टीमें अब लगा दी गई हैं। यानी 15 टीमें अलग अलग शहरों में इस वक्त पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके तार कहां कहां तक, किन किन शहरों तक फैले हुए हैं। एमडी ड्रग्स के साथ में एक गिरोह को पकड़ा था, उसके इन्वेस्टिगेशन में आज हम कुपवाड़ में आए थे। मिली माहिती के मुताबिक हमने यहाँ पे स्वामीमाला में एक गोडाउन पे स्थानिक पुलिस के मदद से छापा कार्रवाई किया। वो छापा कार्रवाई में हमको 140 किलो के करीब एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है। उसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 280 करोड़ से 300 करोड़ तक है। इसके इन्वेस्टिगेशन में हमने 3 आरोपियों को ताबे में लिया है और उनके पास इंक्वायरी चालू है।